भारत की 65% आबादी युवा हैं, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत है। हमारे देश को समृद्ध होने के लिए यह आबादी स्वस्थ होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कई बच्चे कुपोषित हैं और कई किशोर लड़कियां एनीमिक हैं। यदि किशोरावस्था की लड़कियां और लड़के अच्छी तरह से पोषित होते हैं तो वे अपने कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। वे स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक होंगे और स्वस्थ बच्चों के माता पिता भी होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान का उद्घाटन किया। पोषण अभियान के उद्देश्य बच्चों में निम्नलिखित पैरामीटर की दर को कम करना है। स्टंटिंग यानी अपने उम्र के हिसाब से कद का कम होना, आवश्यकता से कम पोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन। विद्या, अस्मा और ज्योति स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक एनजीओ के साथ काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। आप गांव में कहीं नजर नहीं आई? हाँ, वो मैं पोषण अभियान के अंतर्गत जिला स्तर पर एक प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया था, उसमें भाग लेने गई थी। पोषण अभियान प्रशिक्षण कैंप, जरा विस्तार से बताइए। पोषण अभियान का उद्देश्य है बच्चों में स्टंटिंग, अल्पवजन, किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया के दरों को कम करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। सही पोषण, हाथ धोने के सही तरीके, घर के आसपास सफाई, शौचालय का इस्तेमाल, जच्चा और बच्चा की सही देखभाल, इन सब के बारे में हमें लोगों को जागरूक करना है। इसमें मुझे आप दोनों के सहयोग की जरूरत होगी। क्यों नहीं दीदी, क्यों ना हम इसकी शुरुआत अपनी कम्युनिटी सेंटर से करें? हाँ चलो। नमस्ते दीदी। सबको नमस्ते, बैठो बैठो। आज विद्या दीदी आप सबको सही पोषण के बारे में जानकारी देंगी। धन्यवाद ज्योति। अच्छा बच्चों, बताओ पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण यानी खाना। पोषण मतलब सही खाना। पोषण मतलब भोजन है, ये हमें शक्ति देता है। बहुत अच्छी। पोषण के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। जिस प्रकार आपके पिताजी का मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमें पोषण की जरूरत होती है। पोषण द्वारा हमें काम करने की ऊर्जा या शक्ति मिलती है। खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं वो अंग प्रणालियों को ऊर्जा प्रदान करता है। फेफड़े रक्त को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। दिल पूरे शरीर में रक्त के संचलन में मदद करता है। पेट भोजन पचाने में मदद करता है। आंत भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। लिवर रक्त से विषाक्त पदार्थों को हटा देता है और भोजन से पोषक तत्वों को संसाधित करता है। गुर्दे छलनी की तरह रक्त से रासायनिक पदार्थ और अतिरिक्त तरल पदार्थ फिल्टर करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पोषण क्या है।
ऊर्जा प्रदान करना है। गतिविधियों में चलने और बात करने जैसे सरल गतिविधियाँ और दौड़ने जैसे जटिल गतिविधियाँ शामिल हैं। साधारण कार्बोहाइड्रेट शहद और चीनी में पाया जाता है और जटिल कार्बोहाइड्रेट अनाज, बाजरा और जड़ सब्जियां जैसे रतालू में पाया जाता है। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी है। शरीर के निर्माण, मरम्मत, प्रतिरक्षा के निर्माण और कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। दालें और फलियां जैसे कृषि उत्पाद और मांस, मछली, अंडे जैसे पशु उत्पाद प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। वसा यानी फैट्स। वसा या फैट्स हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ज्यादा ऊर्जा देते हैं। मक्खन, घी और तेल वसा के उदाहरण हैं। वसा ऊर्जा का एक केंद्रित स्रोत है। विशेष रूप से शिशुओं और बच्चों के आहार में पर्याप्त मात्रा में वसा यानी फैट्स शामिल होना चाहिए। तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और प्रोटीन्स हमारे शरीर के विकास में मदद करते हैं। अब हम विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। सूक्ष्म पोषण तत्व हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से बचाने में मदद करता है। विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। त्वचा, बाल, नाखून, हड्डियाँ, आँखें और रक्त के रखरखाव और अखंडता के लिए विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है। दीदी, मैंने सुना है विटामिन्स और मिनरल्स कई प्रकार के होते हैं, क्या आप इसको विस्तार पूर्वक बता सकते हैं? हाँ ज्योति, तुमने सही सुना। विटामिन 13 प्रकार के होते हैं और मिनरल्स 15 प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं। विटामिन ए। दृष्टि को सही रखने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। यह त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी रतौंधी यानी रात में देखने में असमर्थता और अस्वस्थ त्वचा और बालों का कारण बनती है। अधिकांश पीले रंग के फल और सब्जियां जैसे गाजर, पीले कद्दू, रतालू, पपीता, आम, परवल, पपीता, खरबूज, पालक, मेथी, सरसों और हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में मौजूद है। शरीर में बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ आपने जाना कि विटामिन ए आपकी आँखों को सुरक्षित रखता है। अब हम विटामिन बी के बारे में बात करेंगे। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए उन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। शरीर को भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है। यह तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने में मदद करता है। रक्त के उत्पादन के लिए भी विटामिन बी आवश्यक है। विटामिन बी की कमी बेरी, यह रोग हृदय की मांसपेशियों और पाचन तंत्र के कार्य को प्रभावित करता है। विटामिन बी की कमी से एनीमिया या रक्त की कमी
गठन में मदद करता है। लौह की कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी हो सकती है। हरे पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज और एक संतुलित भोजन को कार्बोहाइड्रेट से कुल कैलोरी का लगभग 55-60% प्रदान करना चाहिए, विशेष रूप से जटिल कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से लगभग 15% और वसा से 25-30%। इसके अलावा आहार में फाइबर और पानी की भी पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। आहार फाइबर एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, हम बाकी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। क्या आपने